शिबा इनू की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनली शिबेरियम के बारे में एक फाइनल अपडेट आया है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि एक्चुअल में इसका लॉन्च कब होने वाला है। तो अब डेट फाइनल हो चुकी है, ये कब लॉन्च होने वाला है, और ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। एंड अगर आपको ये दिख रहा है कि शायद शिबा इनू का प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक पुल बैक होने वाला है। इसका मैं आपको एनालिसिस दूंगा, आपको शॉर्ट टर्म का टेक्निकल एनालिसिस दूंगा, ताकि आप भी इजीली यहाँ पे एक सही स्टेप उठा पाएं और अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएं। तो शिबेरियम वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है जो कि शिबा इनू का है, और इसी के बेसिस पर और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बिल्ड होने वाले हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर रन होने वाली हैं। एंड हमेशा की तरह आपको बताता हूँ कि शिबा इनू और बोन कॉइन दोनों के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि बोन कॉइन भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 24 आवर्स का देखें या फिर 7 डेज का देखें, तो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक शिबा इनू है, और इसी के साथ बोन कॉइन भी है जो कि शिबा स्वैप का है। तो दोनों कॉइन्स बहुत लंबे समय से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और इसी के साथ आप यहां पे देखोगे कि जो शिबा इनू का प्राइस है, यहां पे एकदम से ड्रॉप भी आया है इसमें, यानी कि जो एक पॉइंट है 0.00001 उससे प्राइस नीचे गिर रहा है। तो एक्चुअल में यहां पे पुल बैक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, वो हम टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी देर बाद करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको शिबेरियम के बारे में बता देता हूं कि एक्चुअल में अभी कहां तक प्रोसेस पहुंचा है। तो सीधा सीधा अपडेट यही आया कि शिबेरियम के जो वैलिडेटर्स हैं वो धीरे धीरे मेननेट के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टनेट है उसको ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। तो शिबेरियम के जो टेस्टनेट है उसको पपीनेट के नाम से दिया गया है, तो पपीनेट टेस्टनेट जो है इसको स्टॉप कर दिया गया है, और वैलिडेटर सभी मेननेट के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। और ये लगभग 3 दिन से ऐसा हो रहा है, और ये अगर ऐसा हुआ है, यानी कि अगर टेस्टनेट बंद हुआ है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगले ही हफ्ते जो एक्चुअल शिबेरियम है उसका मेन नेट लॉन्च होने जा रहा है। और इसकी जो लॉन्च है, मोस्ट प्रॉबली जो सितोशी कसामा है, जो लीड डेवलपर हैं शिबेरियम के, उन्होंने बताया कि इसका जो मेन नेट है ये होगा रिलीज ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि इसी के साथ ईथ का हैकाथॉन भी होने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीक है कनाडा में। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है या फिर हैकाथॉन होता है, तो वहाँ पे जनरली ऐसे जो मेन नेट्स होते हैं या फिर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का जो एक इवेंट आता है उसको वहीं पर लॉन्च किया जाता है। तो जो पपीनेट है, पिछले 3 दिनों से उन्होंने ऑलरेडी कोई भी ब्लॉक को प्रोसेस नहीं किया, यानी कि टेस्टनेट तो बिल्कुल बंद हो ही चुका है ना। अब इसका मतलब ये है कि इसकी शिफ्टिंग हो रही है, जितने भी वैलिडेटर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये शिफ्ट होते ही मेननेट के ऊपर तो मेननेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट रखी थी, ट्रांजैक्शन का एक माइलस्टोन रखा था 35 मिलियन का, जैसे ये रीच हुआ तो शिबेरियम का टेस्टनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेट एड्रेसेस हैं वो भी 17 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके थे। और ये सारी चीज़ें आप etherscan.io के ऊपर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, ये लिंक आपको मिल जाएगा। शिबा डिपेंडेंस के नाम से ये ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, जिसके ऊपर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, और ये लिंक भी दिया गया है etherscan का। अब यहाँ पे एक और इंडिकेशन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर आया है, शिबा इनू की जो ऑफिशियल लूसी है उन्होंने कन्फर्म किया कि शिबेरियम मेनेट जो है ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, और ये चीज़ कन्फर्म कर दी गई है। अब इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें होने वाली हैं, एक तो जो बर्न है, बर्न रेट इंक्रीज़ हो रहा है, वो आपको कल के दिन भी बताया था कि बर्न रेट बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है। जो SSI है, यानी कि शिबेरियम का खुद का जो सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है, वो भी उस लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन्होंने बताया कि उसके ऊपर कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन वो शिबेरियम के आने के बाद ही होगा। तीसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी हम प्राइस में बहुत ज़्यादा पंप देख रहे हैं, यानी कि हमें लगातार इसके प्राइस में इंक्रीज़ दिख रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉबली ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस पर ये फाइनल लॉन्च कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हमने करी थी पिछले हफ्ते कि इसका 1-0 कट होने वाला है, तो जो 1-0 कम हुआ है वो तो ऐसा मान लो कि वो तो कन्फर्म ही है, वो तो हो चुका है, बार बार 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि इसकी जो 5 जीरोज़ हैं आफ्टर पॉइंट, तो 5 में से 1 जीरो तो बार बार कम हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 4 जीरोज़ ही हैं ऐसा मानकर चलो। लेकिन हमें पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि यहाँ से एक और जीरो कम होने वाली है और सिर्फ 3 जीरोज़ रह जाएंगी। अब यहाँ पे एकुमुलेशन भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो वेल्स हैं उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू टोकन्स को अपने वॉलेट्स में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ जो बोन टोकन है उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है, यही कारण है कि आपको बार बार बताता हूँ कि जो बोन टोकन है वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा इन्हीं कुछ दिनों के अंदर। अब यहाँ पे जो प्राइस है 0.00001 के ऊपर पहुंचा, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर या फिर अबव दिस पॉइंट अगर रैली आनी चाहिए तो वो सिर्फ तभी आएगी जब यहाँ पे एक बार पुल बैक होगा, और पुल बैक हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम 0.00009 तक हम ऑलरेडी इसका प्राइस देख रहे हैं, ये पुल बैक तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अब ये पॉइंट आने के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि और भी ज़्यादा बायर्स आने वाले हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा बायर्स आएंगे, और बायर्स आने की वजह से एकदम से हमें लंबी रैली देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जा सकता है प्राइस 0.000100 और यहाँ से 100 की जगह 120 तक भी जाएगा, यानी कि लगभग 20% का यहाँ पे हमें बहुत ही ईजिली प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी है, आप पुल बैक के साथ आप यहाँ पे एक नई बाइंग कर सकते हैं और कॉइन को होल्ड कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, यानी कि शिबेरियम के फाइनल लॉन्च के बारे में जो अपडेट आया है। इसी के साथ मैं कुछ और अपडेट्स आपको दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, हमेशा ज्वाइन करके रखें क्योंकि वहाँ पे अपडेट सारी आपको साथ के साथ मिलने वाली है। किसी और मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।